नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। बारिश के मौसम के कारण अब वायरल और टाइफाइड के बढ़ते मरीज सिविल अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे हैं 30 से 40 मरीज। शहर में बढ़ती साइबर ठगी, फर्नीचर खरीदने की बात कहकर भेजा कारोबारी को लिंक, फिर ठग ने ठग लिए 52,000 रुपए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। पानीपत से दिल्ली लाइन पर ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, चालक ने अचानक से लगाए ब्रेक, खिड़की से बाहर गिरा परिचालक, हुई मौत। पुलिस ने किया मामला दर्ज। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं, चोरों ने घर और ऑफिस के बाहर से चोरी कर ली एक्टिवा और बाइक, पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश। चोरों ने 65 साल की बुजुर्ग विधवा के घर से चोरी कर लिए जेवर और 1,00,000 की नकदी, सोना मकान पाकर चोरों ने कर ली चोरी। सनोली रोड के किराना दुकानदार से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में अभी तक पुलिस को नहीं मिला कोई भी सुराग। वार्ड 25 ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे डाई हाउस और फैक्ट्रियों को लेकर निगम कमिश्नर की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की हुई संयुक्त बैठक। बैठक में तय हुआ कि अगर फैक्ट्रियों ने छोड़ा बिना स्ट्रीट पानी तो संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई। हाईटेक चोर गिरोह ने कार मालिकों की उड़ा दी है नींद, दिन में रैकी कर दे रही है रात को वारदातों को अंजाम, चंद मिनटों में लोग तोड़कर कर रहे हैं वाहन चोरी। जिले के 508 राशन डिपो पर बांटे जाएंगे 73,700 तिरंगे। मालखा में बनाया गया पीआर सेंटर, प्रदेश भर में बांटे जाएंगे 15,00,000 तिरंगे। फ्लाइंग क्लब मिशन ग्रीन ने नोवे नैनो जंगल का किया शुभारंभ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नवाकोट गुरुद्वारे के प्रधान फतेह सिंह ने लगाया पहला पेड़। 28 अगस्त को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में श्री रघुनाथ धाम में संचालित अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक और श्री रघुनाथ धाम का वार्षिक उत्सव और दशहरा पर्व 5 अक्टूबर को धूमधाम से मनाने की तैयारियां हुई शुरू। गांव काबड़ी के अड्डे पर एक युवक की पीठ में बदमाशों ने घोपा चाकू, युवक की पीठ से चाकू नहीं निकलने पर किया गया युवक को पीजीआई रेफर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।